behind. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। राशिद लतीफ भाई मुबारक हो। बहुत आला जनाब, मुबारक। देखें चौथे दिन गया मैच। नहीं जी, डेविड वार्नर 200 नहीं कर सका। यस, लबुशेन 200 नहीं कर सका नहीं। लेकिन यासिर शाह ने तीसरा 200 कर दिया। यार ये तो गलत बात कर रहे हैं। 4 for 205, 48.4। 600 भी नहीं करने दिया। और मेरा ख्याल था जी मैं हार गया। सबसे कारनामा जो हुआ है कि अंडर 10 किया स्मिथ ने। स्मिथ की मुश्किल जगह है अब टीम में। बहुत खुशकिस्मत है वो रन नहीं किए, वरना सब हर कोई रन कर रहा है। स्मिथ ने भी कर दिए। कैसा मैच रहा डॉक? एनीवेज जी, 580 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, और प्रोबेबली जो एंड में हमारे जिस तरह 3 आउट हुए तो शायद टिम पेन ने डिक्लेरेशन करनी चाहिए थी, डिले कर दिया, और सिर्फ 16-17 ओवर्स दिए पाकिस्तान को खेलने के लिए। 60 for 3 पाकिस्तान, 276 रन अभी भी ऑस्ट्रेलिया आगे। और आपका ख्याल है कि कुछ हो सकता, लेकिन नहीं, ये चीज़ अब नहीं। जब मैं आपको कह रहा था इंग्लैंड में मानस लबुशेन जब आए खोपे पे गेंद लगा और उसके बाद जिस हमने बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज की थी, आपको कहा था कि दम है प्लेयर में। सर दम तो बहुत अच्छा है। 276 गेंदों पे 185 किया उसने, बड़ा नाराज गया। अरे अच्छा प्लेयर है, 20 चौके लगाए, लेकिन जो ड्राइव मारी है बाहर थे वो स्लिपों में ही गई है। ये तो है। ये तो आपको देखना चाहिए ना कहाँ पे बॉल करनी है। बैक फुट पे यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट है उसके, जो टेक्निक है बहुत ही अच्छी है। उसको आपने वहीं पे फीड किया और पीछे बॉल किया, उसको मुंह में थोड़ा बाहर करें, उनका बॉलर जाता ही एंगल होता है जैसे हारिस सोहेल का होता है। तो ये बॉलर का फर्क है, आपकी कोचिंग हेड कोच का फर्क है, तो बाकी सब ठीक है। और बाकी आज मुझे ये नहीं समझ आई कि 21 गेंदों पे 3 रन बनाए डेविड वार्नर ने, और मुझे नहीं समझ आई 296 गेंदों पे 100 ने उसने क्या नाम है नसीम शाह ने अच्छे गेंद, बहुत अच्छे बॉल किए। लेकिन एक फिक्र हो गई है, सिर्फ 4 ओवर क्यों किए आज? ठीक है 4 ओवर सिर्फ, लेकिन क्वेश्चन मार्क आ गया ना कि आप अगर ओवरलोड नहीं करना चाहते, उसको कोई स्ट्रेन है तो रिस्क मत लो इतने बच्चे से भी। ठीक है ना, बिल्कुल सही। ये सवाल गेम होने में मत पूछिएगा। मैं पूछूंगा। एनीवेज जी, पाकिस्तान डन एंड डस्टेड, जो मर्जी कर ले पाकिस्तान। 276 पहले उतारना है। बहुत ही हॉरेबल पहले तो शॉट खेला अजहर अली ने, और उसके बाद बैट्समैन को खुद पता लग जाता है वो आउट है। डॉक्टर इस इनिंग में ना इन्होंने ट्रैप किया है, जहाँ पे आउट होता है ना अजहर अली वहीं पे बॉल की एक ड्राइव खाई है उसने बाहर, देखा उसने बड़ी अच्छी ड्राइव मारी, उसके बाद अंदर लेके आया, सीधी रखी है और वहीं से वो ऑन खेल गया, वहाँ पे वो आउट हो गया। और पहले इनिंग में इन्होंने लेफ्ट बॉल किए थे, ये भी इन्होंने नया बॉल का फार्मूला है, बेसिक है कि बल्ले से लगवाओ। आज उन्होंने बल्ले से लगवाई है बॉलें और लगी हैं। और दूसरा राशिद भाई, हारिस का नंबर 3 कैरियर खत्म कर देंगे आपका। बाबर आजम नंबर 3 बनता है, भले रन ना करे, वो जिस दिन चला ना वो गेम को लेके चलेगा। 5 जहाँ पे मूवमेंट कम है, बॉल की स्विंग कम है, तो वहाँ हारिस बहुत सा खेलेगा। ये तो बैक फुट पे ड्राइव मार दी यार, मतलब बाउंस देखना चाहिए। देखो जो जहाँ पे आउट होता है वहीं पे किया। इवन असद शफीक का भी देखा ना, बॉल जब निकली है असद खेलने गए और पूरा ओपन हो गया, ऑफ स्टंप नजर आ रही है उनकी, तो इसका मतलब है उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन शान मसूद इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव, बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर्स को बहुत अलग खेला है। इन लाइन देखे ना, आज लेफ्ट में नहीं गया वो, आज क्या है रन करोगे तो सर्वाइव करोगे टीम में। यहाँ पे आपको टीम के लिए जो लेफ्ट कर रहे हो ना, पुरानी बॉल करके दूसरों को दे रहे हो, अब दूसरे ही खेलेंगे आप नहीं खेलेंगे भाई, आप रन करोगे तो खेलोगे। और दिलेर बहुत अच्छा, पुल भी अच्छे मारे, डिफेंस अच्छा है, थोड़ा स्पिनर पे फंसता है, उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन भाईजान कल खत्म हो जाएगा टेस्ट मैच। लबुशेन के ऊपर बात करें, कल कर दिया टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा भाई, ये अफसोस होगा। लेकिन शायद 5वें दिन ले जाएं, 150 वो कर दे, 150 वो कर दे, डॉक करवाओ ना यार, बहुत मुश्किल है बॉस। क्या मजा है, विकेट थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया, बॉल तो पुरानी हो गई ना, ऊपर नीचे भी चिंगारी और जंगारी बैटिंग करो। एनीवेज, मानस लबुशेन गेट्स टू हिज फर्स्ट टेस्ट मैच 100 एंड व्हाट अ मैसिव वन, 185 सर। होम ग्राउंड और प्रोग्रेस देखें, इंपोर्टेड होम ग्राउंड, इंपोर्टेड होम ग्राउंड, प्रोग्रेस देखें ना कि स्मिथ की जगह आए और वहां से स्टार्ट हुए, हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ था, लेकिन उनकी सिलेक्शन कमेटी की देखें एक ही प्रोग्रेस, यूएई में बिल्कुल फारिग हो गए थे, उस प्रोग्रेस देखें और डिक्लाइन देखें ख्वाजा का, ये होती है अप्रोच। आपने उनको देख लिया वो डिक्लाइन पे और ये इसकी प्रोग्रेस, नंबर 3 पे सेटल कर दिया और वहाँ के बाद जब चला है वो
चलते ही चला गया, चलते ही चला और गया। अब आप गौर करें तो जो बर्न्स और उसके साथ वार्नर, तीन पे लबुशेन, चार पे स्मिथ, पांच पे वेड। वेड ने पाकिस्तान में गेंदों पर साथ वेड का ना, देखो यासिर पे बात कर लूं, दोस्तों देखे ज्यादती कर रहे हैं, कैप्टनसी हमेशा लेग स्पिनर को कैप्टन बनाता है। अब एक पॉइंट ऊपर है, एक मिड ऑफ है, कवर पूरी खाली है और वो बॉल कर रहा है राउंड स्टंप, जो गलत बॉल पड़ेगी सामने उस पर चौके लगेंगे, उसको 10-15 चौके तो ऐसे ही खा लिए। प्रोटेक्शन चाहिए होती है, हाफ वे पे अगर पॉइंट हो तो रन नहीं बनेंगे उसको, मतलब कि जाया मत करो। ओवल में 213, सिडनी में 207 और अब आज 205। कैप्टन कौन थे? मिसबाह हक दो दफा और एक दफा अजहर अली। माइंडसेट देख लें। अच्छा ओ यार, जिधर डिफेंसिव माइंडसेट चाहिए उधर फील्ड डिफेंसिव नहीं दे रहे हो। नहीं चाहिए करें उसे यार, नहीं उसको चाहिए होती है कभी कभार। आपको शेन वॉन को मैंने देखा पॉइंट पीछे रख लेता था, हाफ वे पे रखता था कि गलत बॉल कि 30 ओवर से ज्यादा किए ना तो आपका हाथ नहीं काम करता, तो आगे पीछे और फुल टॉस बॉल होती है तो उसकी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। लेकिन यासिर ने बुरी बॉल नहीं की, लेकिन शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज, आज बहुत अच्छा गेंद। डॉक्टर एक चीज और, आउट पे गया ओवर द विकेट जो बॉल करते, उस दिन मैंने कहा था कि पुश करते बॉल को, रिस्ट उनकी हो जाती थोड़ी सी तो साइड से हो जाती, तो पेस भी कम हो जाती है, जगह पे सही नहीं, राउंड द विकेट फौरन आ जाते हैं क्योंकि बॉडी तो लगती है लेकिन ये दो दो उंगलियों से बॉल में पूरी फोर्स लगती है। जब गाड़ी को धक्का दिया जाता है, वही बात की थी, पीछे से दिया जाता है, तो बॉल पे धक्का जब दिया जाता है राउंड द विकेट जब जाती है ज़्यादा फोर्स लगती है और मूवमेंट भी उनकी होती है, तो बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, आगे इम्प्रूव कर सकते हैं ये। हाँ बहुत अच्छे लगे और थोड़ा सा अगेन मुझे वो इंजरी की बहुत फिक्र है इनकी भी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लॉक होते हैं नीचे। इमरान खान का बताएं क्या कर रहे हैं, तीन ईयर का गलत शॉट खेल गए ना, मेरी समझ से बात है, मैं गेंद भी नहीं पहुंच रहा था आज तो यार, वो विकेट अहमी मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अहमी विकेट मिल गई और शुएब अख्तर आ चुके हैं। अच्छा भाईजन वो आठवां सौ कर गए ब्रायन वॉटलिंग, 356 पे 393 कर दिया, 60 टेस्ट मैच भी खेल गए हां जी और आठवां टेस्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम भाई, मुबारक हो आज लबुशेन, आपके दो रन कर दिए। लबुशेन भी 200 नहीं कर सका, वार्नर भी 200 नहीं कर सका, लेकिन यासिर शाह ने 200 कर दिया। तीसरा हां तीसरा, वन बी द लास्ट वन। सकी भाई के दो हैं वैसे, सकी भाई के दो हैं, सकी भाई के दो हैं, बड़ी मेहनत की है आज 205। नाइस ड्रेसिंग है शेवी, क्या बड़े स्मार्ट बने हैं, अच्छा है, हे लुक गुड। आज शान मसूद अच्छा खेला बॉस, शान मसूद अच्छा खेला। हां तो 64 पे 3 है, 276 रह गई। मैंने यही कहा था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल, लेकिन एक बात काफी गलत साबित हो गई, क्या 600 नहीं किया उन्होंने, ये ज्यादती की ऑस्ट्रेलिया ने, फेल हुए वैसे, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान लुक्ड टिमिड, टिमिड टिमिड टीम, टिमिड फील्ड प्लेसिंग, टिमिड कैप्टनसी और टिम पेन आज बेहतर कप्तान नजर आया, देखा आपने, वो कहते हैं इसलिए बेहतर कप्तान नजर आया जी, वो थर्ड 300 लगा तो बेहतर कप्तानी करनी है, यू इम्प्रूव एज अ टीम, एज अ कैप्टन यू इम्प्रूव। बहरहाल लेकिन शेबी आप क्या कह रहे हैं, डिफेंसिव कहाँ थी कैप्टन, बल्ले पे बॉल खिलाई है उन्होंने, बाहर नहीं खिलाई, उन्होंने कहा खिलाओ लेकिन प्ले बल्ले पे नया बॉल दो, चांस होते हैं आउट होने के। आप किधर कह रहे हैं डिफेंसिव कैप्टनसी, आज यासिर शाह पे हमने कवर ही नहीं रखा हुआ था, 15 चौके लगे हैं उधर से। अपने दोस्त के बारे में क्या, रिकॉर्ड बिहाइंड है, जरा जोर से सुने, अच्छा कंटेंट मिलता है, ये अपना कंटेंट बनाएगा अभी। और शेब अख्तर के दोस्त जी मानस लबुशेन भाई ने 65 ग्रैंड ओवर में भी कर दिया आज उधर रंगोसाई, बहुत अच्छी बैटिंग की, 70 खेले हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बॉटलिंग की बैटिंग आपने की, 800 कर गए सर, ये तो चुपके चुपके 60-65 मैच टेस्ट मैच खेल गए यार, 64 टेस्ट मान ले यार, नहीं लेकिन परफॉर्मेंस देख, नहीं है परफॉर्मेंस है, यहाँ पे शारजा में भी पाकिस्तान 50 किया, केन विलियमसन ने भी, हाँ जो डेनली ने 50 किया, रोरी बर्न्स ने 50 किया, 91 स्ट्रोक ने किया, स्ट्रोक तो छाया हुआ यार, अच्छी छूट गया आज, लेकिन अच्छी लीड हो गई है न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड में बात करने का मन नहीं कर रहा, बांग्लादेश के प्लेयर्स के टोंटों नहीं सुन रहे, मेरी दोनों टीमें खराब खेल रही हैं, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान, और बहुत खफा हूँ मैं इन लोगों से, और इसलिए खफा हाँ भाई खफा हूँ, अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे मत करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल टेस्ट मैच टीम नहीं है, गॉड बियाइंड। Got banned.